हैं छक्का मौगा मामू, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो जब बुरा लगेगा तो मैं परेशान नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी कि आए मैं तो छक्का हूँ इजड़ा हूँ, तो मुझे 10 रुपया दे दो, तुम्हारे कमाई में बरकत हो, मालिक तुम्हें आगे बढ़ाए, यही तो हमारा आशीर्वाद होता है, ताली बजाना। अच्छा, ताली शुरू से ही बजा लेती है कि कुछ दिन में सीखी है? मेरे अंदर वो जुनून है, मैं बजाऊंगी नहीं। एक बार बजाइए। बजाने की क्या बात है, बजा जो भी बजाना है, हमारा यही कारण है। लड़के छक्के हैं या क्या है, और इन ये नपुंसक हैं, नपुंसक हैं तभी तो ये मेरी बेटी के साथ सेक्स संबंध नहीं बना रहे हैं, और सेक्स संबंध जब नहीं बनेगा तो बच्चा नहीं होगा, जब बच्चा नहीं होगा तो तमाम प्रक्रिया नहीं चलेगा। हाँ, तो लोग कहेंगे ना कितना दिन हो गया शादी और बच्चे नहीं हुए, तुम्हारे में कमी है कि उसके में कमी है। तो हम लोग का जांच होता है। गोरखपुर में कोई संतोष गुप्ता नाम के हैं कि क्या नाम है, ऐसा जांच हुआ हमारा, उसका भी जांच हुआ, मेरा भी जांच हुआ, तो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या होता है। तो मेडिकल में मुझे नपुंसक पाया जा रहा है, तो वही बात रुक जा रही है। तो जब डॉक्टर कहते हैं कि मुझे कुछ बताया भी नहीं जा रहा है उतने समय कि मैं क्या हूँ कैसी हूँ, और मेरे घर वाले भी वो टाइम थे, मेरे भैया भी थे, मेरे पापा ड्यूटी कर रहे हैं, मत्स्य विभाग के अधिकारी हैं, विकास भवन में हैं, मेरे भैया उस टाइम थे। तो जब वो रिपोर्ट मेरे भैया को दिखाया गया तो भैया भी देखे, तो उनको भी नर्वस लगा, ये क्या माजरा है, क्या हो गया। तब हम कहे हमारी क्या गलती है, आपने जो बोला मैं की, अब मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, मेडिकल जांच हो रही है। तब वहीं से लगा कि ये कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि नपुंसकता हमारा बनावटी नहीं है, हमारा प्राकृतिक देन है। आपको लगता है कि मतलब एक कसमुकस की स्थिति होती है कि सेना में आज हमारा सेना में आ जाना पड़ता? आज मैं सेना में भर्ती हुई होती तो कितना अच्छा लगता, कितना गर्व की बात रहती, मैं भी जवानों की तरह डट सीमा पे डटी रहती, और मैं देश का जो है सुरक्षा के लिए खड़ी रहती। जब आपको सर्टिफिकेट मिला नपुंसकता वाला, वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपकी दिन लाइफ स्टाइल क्या थी? लाइफ स्टाइल तो हमारी सामान्य थी। घर वाले क्या कहे? नर्वस थे। उसके बाद बंद कर दिए होंगे फिर आप? तब क्या दौड़ूंगी। हमारे बगल में राम प्रताप साहनी बैठे हुए हैं, जिनका बदला हुआ नाम निशा किन्नर है। किन्नर समाज के लिए इन्होंने सरकार से पिंक टॉयलेट की मांग की और सरकार ने उसको पूरा किया। अभी कुछ दिन पहले ही गोरखपुर में एक घटना हुई जब कुछ किन्नर समाज के लोगों ने इन पे हमला बोल दिया और इनको काफी मारा पीटा। हालांकि ये समाज के लिए अच्छे कार्य कर रही हैं। एक चीज और बता दें आपको, समाज में तमाम ऐसी बुराइयां हैं जिससे लोग डरे सहमे रहते हुए हैं और मारपीट पे उतर जाते हैं, लेकिन इनका इसी समाज में रहना होता है, लेकिन उससे हटके ये सामाजिक कार्य करते हैं, इन सब चीजों से दूर है, इसीलिए इन्हीं के समाज के लोगों के द्वारा इनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया जाता है। हम पूरी घटना की जानकारी इनसे विस्तृत जानेंगे। आप कहाँ के रहने वाले और कहाँ से आपकी शुरुआत होती है, क्योंकि आपने बताया कि हम इंटर तक की पढ़ाई भी किए हुए हैं? जी, मैं गोरखपुर से हूँ और मैं राम प्रताप, पहले मेरा नाम था घर का। जब मैं मुझे पता चला कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, सरकार हमारे लिए काम कर रही है, सुनवाई कर रही है, और मुझे ट्रांसजेंडर कार्ड भी प्राप्त हुआ, तो मैं निशा नाम से बनवाई और आज मैं निशा नाम से हूँ, निशा किन्नर नाम से। तो मैं समाज सेविका हूँ और मेरा न्यू इंडिया हेल्थ फाउंडेशन ट्रस्ट है जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ, और हमारे इस एनजीओ में महिला, पुरुष और हमारे वर्ग के लोग, ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं, और मैं सब वर्ग के लिए काम कर रही हूं। अच्छा, आपके परिवार के लोग क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं, परिवार की बैकग्राउंड क्या है, आपने पढ़ाई परिवार से ही किया है? गोरखपुर जनपद की और कुछ शहर से कुछ दूरी पे आपका घर है? मेरा घर यहाँ से 15-16 किलोमीटर है, जो कि बढ़िया चौक साइड में है, और पीपीएन से 10 किलोमीटर पड़ता है। मैं वहाँ अपने घर से इंटर तक पढ़ाई करती हूँ, और मेरा स्कूल घर से 2-3 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ मैं
वो बढ़िया चौक नाम है दिग्विजय नाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पे मैं इंटर तक पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद मैं बीए एलबीएस की पढ़ाई करती हूँ, एलबीएस में बीए फर्स्ट ईयर, जो कि 2007 में मैं जा रही हूँ। और मेरे साथ कुछ घटना हो जाता है वहाँ एलबीएस में, फिर उसके बाद जब घटना हो जाता है तो मैं किसी तरीके से वो पेपर देती हूँ, उसके बाद मेरा पढ़ाई छूट जाता है, मैं छोड़ देती हूँ, नर्वस हो जाती हूँ। क्योंकि मुझे तब ऐसा लग रहा था कि हमारा रहना, हमारा जीना, हमारा पढ़ाई करना सब व्यर्थ बेकार है, क्योंकि हम सबसे अलग हैं। लेकिन आज की डेट में जब गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये सुविधा प्रदान कर रही है और सामाजिक रूप में ला रही है, सामान्य व्यक्ति जैसे महिला पुरुष है, इसमें तीसरे जेंडर में हमें जोड़ दिया, तब मुझे अब एहसास होता है कि हमें जीने का हक है। कैसी, ये कौन से स्कूल में ऐसी घटना हुई कि एक अच्छे मुकाम पे जाने के बाद, पढ़ाई इंटर तक करने के बाद, बीए में जाने के बाद आपने अचानक फैसला लिया और पढ़ाई पे रोक लग दिया? क्योंकि समाज में लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं और ट्रांसजेंडर के लिए अब सरकार नौकरी की व्यवस्था की है, हर चीज़ की व्यवस्था की है, मतलब उन्हें बराबर का, पुरुष और महिलाओं के तब बराबर का ही दर्जा समाज में मिल रहा है सरकार। मैं 2007 में जाती हूँ, लाल बहादुर शास्त्री वो वहाँ पे क्या नाम है, कैंपियरगंज के आगे है, फरेंदा में है, वहाँ जाती हूँ। वहाँ 2007 में हम पढ़ाई करते हैं, आते हैं जाते हैं, तो कुछ गुंडे टाइप में लड़के रहते हैं, 5-7 लोगों का गुट रहता है और मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरा चाल चलन तो आप समझ रहे हैं कि ट्रांसजेंडर कैसे रहते हैं। तो कुछ उनको शक हुआ तो वो चिढ़ाने लगे, कहने लगे, और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं, मेरे अंदर वही आया कि मुझे छोड़ना चाहिए पढ़ाई, मैं नहीं करूँगी और मुझे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी तरीके से ऐसे हुआ घटना। उसके बाद जब 2007 बीतता है तो उसी टाइम पे मेरे साथ एक ऐसा घटना होता है जो कि मैं कभी सपने में सोची भी नहीं थी, और मैं अपने माँ बाप से प्रतिज्ञा ली थी, प्रतिज्ञा क्या, मैं अपने मन में सोची थी कि मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, कभी और कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ अंदर से, तो मैं क्या लड़की से शादी करूँगी, और जब मैं लड़की से शादी नहीं करूँगी तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे भैया क्या कहेंगे और मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, ये सब लोग लाज रहा। फिर मुझे कुछ लोग आते हैं, देखने आते हैं, लड़का के ही रूप में मुझे देखने आते हैं, तो मेरी देखैया होती है और मैं फिर भी मैं नर्वस हूँ उस टाइम, जो कि मुझे ये सब गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं लड़का होती तो मुझे उमंग रहता कि मुझे लड़की से शादी करनी है, लेकिन मुझे वो सब कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो बात बढ़ती है और हमारा लगन हो जाता है, दबाव में ही होता है। उस टाइम पे जब दिखैया हो रही थी तो मैं स्कूल में भाग गई थी, तभी मैं पढ़ाई कर रही थी और मैं अपने क्लास में थी, तभी मेरे पापा पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बेटा चलो अर्जेंट काम है, धोखा से अर्जेंट काम है। तो लेके आए और पीपीगंज के पास में एक पीतेश्वर नाथ मंदिर है, वो बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा, हमारे यहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ता है, हम लोग पैदल ही जाते हैं शिव जी का दर्शन करने और मेला लगता है। तो मैं वहाँ गई, वहाँ दिखैया होने लगा अचानक से, तब तो मुझे लगा कि मैं फंस गई, कहाँ जा रही हूँ, हमारी लाइफ क्या होगा। फिर भी मैं भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ आप ही वारा न्यारा करेंगे, मैं क्या हूँ आप जानते हैं, मैं अपना कुछ बताना भी नहीं चाह रही हूँ, मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि ये राइट हमें नहीं मिला था तब जीने का। और मुझे ये भी डर था कि मैं जब बता दूंगी अपने माँ बाप से, भाई से, तो मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, और मैं घर से जब निकल जाऊंगी तो मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, मैं इतना लाड प्यार में पली हूँ, मुझे कैसे प्यार मिलेगा, और मैं जाऊंगी भी तो मुझे, मैं टांजिन हिजड़ों में जाऊंगी और हिजड़े लोग गुरु तो रहेंगे, मेरे भाई भी रहेंगे, लेकिन वहाँ पे उनका उपदेश यही रहेगा कि तुम्हारा काम बधाई का नाचना गाना, और इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो
तो मैं निर्णय ली कि मैं नहीं बताऊंगी, जो भी हो रहा है शिव जी जाने। वो हो गया, उसके बाद शादी हुई, लगन हुआ, फिर 5 साल के बाद मेरा गौना होता है। तो फिर भी मैं सोच रही हूँ कि काश मैं आज लड़की के रूप में रहती तो इसके जगह पे मेरी डोली उड़ती, मैं जाती। तो 5 साल तक लड़की से बात की मैं नहीं बात करती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था। शादी हो गया लेकिन लड़की के घर वाले भी कहते थे कि क्यों बात नहीं करते हैं। वो लड़की भी कहती थी कि क्यों बात नहीं करते हैं आप, जब बात करते हैं तो क्यों हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा ऐसा वैसा, जिसे लड़कियों के भाव ऐसा। तो जब बात हो गई, ऐसा यहाँ तक बात हो गई, तो गवना होता है फिर। अब सब जानते हैं कि गवने के बाद तमाम समस्या मेरे साथ बढ़ते ही जा रहा है। आपने समस्या बढ़ा तो फिर ऐसा नहीं लगा आपको कि हमको परिवार को बता देना चाहिए? देखिए, मुझे लगा कि बता देना चाहिए, फिर भी मैं, सबके अंदर दो मन होता है, एक मन कह रहा कि बता दो, फिर दूसरा मन कह रहा कि बेटा समझ जा, नहीं तो तुम्हारे लिए खतरा है, जब घर से निकाल दिए जाओगे तो। तब तक भी राइट नहीं मिला है, तब तक मैं किसी तरीके सहमी, डरी बैठी और उनके साथ झेली। और वो झेलना क्या, तब मैं उनको समझाती हूँ, जो रिंकी साहनी नाम की लड़की है, जिससे आपकी शादी होती है। हाँ, रिंकी साहनी, हमारे घर से पीपीगंज के पीछे एक क्या नाम है, नाम भूल गई, उसी के पास में है गदही खाल, वही शादी होता है। और उनके घर वाले कहीं दूसरे जगह पुलिस विभाग के, उनके पापा थे गोंडा साइड में रहते थे, तो वो भी पढ़ी लिखी थी, हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, क्योंकि उसके पापा उसका सपोर्ट किए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे पापा भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होने लगा तो मुझे छोड़ना पड़ा। कितने दिन तक आपके साथ रही हो? मेरे साथ, देखिए, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया। और जब कुछ समय ऐसा हुआ कि वो लड़की बोलती है अपने माँ बाप से कि मम्मी पापा और ये हैं, तो देखिए ये क्या हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, इनका बिहेवियर अलग सोना और हमसे ना बात करना, फेस टू फेस ना बात करना, अलग इनका चाल भाव स्वभाव और सब कुछ, मेरा सब कुछ उन्होंने बता दिया। तो वो एक पंचायत ठानते हैं ला करके कि आपके लड़के छक्के हैं या क्या हैं, और इन ये नपुंसक हैं, तभी तो ये मेरी बेटी के साथ सेक्स संबंध नहीं बना रहे हैं। और सेक्स संबंध जब नहीं बनेगा तो बच्चा नहीं होगा, जब बच्चा नहीं होगा तो तमाम प्रक्रिया नहीं चलेगा। हाँ, तो लोग कहेंगे ना, कितना दिन हो गया शादी और बच्चे नहीं हुए, तुम्हारे में कमी है कि उसके में कमी है? तो हम लोग का जांच होता है, गोरखपुर में कोई संतोष गुप्ता नाम के हैं कि क्या नाम है, ऐसा जांच हुआ हमारा, उसका भी जांच हुआ, मेरा भी जांच हुआ, तो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, तो मनोवैज्ञानिक के पास जाने की सलाह दिया गया। तब तक मुझे राइट नहीं मिला है, और मैं अपने घर पे रहती थी, समाचार भी देखती थी, पेपर भी देखती थी, ताकि मुझे लगता था कि सरकार कहीं ना कहीं सुनवाई करे हमारे जेंडर के लिए, वो दिन आए कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिले। तब मुझे आज़ादी मिलता है। आप उसको समझाती नहीं थी लड़की को? लड़की को मैं क्या समझाऊंगी, जो मैं खुद लड़की हूँ, मैं एक बात कहती थी कि तुम मेरी फ्रेंड हो, हम लोग दोस्त बन के रहेंगे, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करती थी, वो भी पढ़ी लिखी थी, एक्सेप्ट करती थी, फिर भी कहती थी यार मुझे बच्चा चाहिए, मुझे सेक्स संबंध से मतलब नहीं है, मुझे बच्चा चाहिए, तब ये कैसे होगा? हम कहे तो तमाम प्रकार के डॉक्टर हैं और ऐसा वैसा जो भी होता है उसको कर लो, तो करिए, नहीं ऐसे नहीं होगा, संतान चाहिए, तुमसे होगा, तो करिए कि जब तुम आप नपुंसक है तो कैसे होगा? तो हम कहे कि अब निर्णय करो, तो करिए ठीक है, तो अब नहीं काम बनेगा, क्योंकि समय ज़्यादा बीत जाएगा तो मुझे जब दूसरा करना पड़ेगा तो वहाँ भी दिक्कत होगा,
तो हम लोग मैनेज किए, एक्सेप्ट किए और वो कागज बनवाती है, गोरखपुर कचहरी में जाती है, वहाँ पे अपना बयान करती है कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, वो नपुंसक हैं और इसके लिए आज मैं छोड़ना चाहूँगी। फिर भी मैं कह रही हूँ कि अगर आपको हमारे घर पे अच्छा लग रहा हो तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है, आपको उतना प्यार मैं नहीं दे पाऊँगी जो एक मर्द एक औरत को देते हैं, सुख सुविधा और बच्चा और कुछ भी। बाकी तो हमारा जो प्रॉपर्टी है, हमारा घर है, हमारा सब कुछ है, है। तो फिर वो कह रही हैं कि ठीक, कोई बात नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा, मैं कोर्ट से हलफनामा बनवाई हूँ, कागज बनवाई हूँ, आप वहाँ हस्ताक्षर कीजिए, आइए, कोर्ट का बुलावा है। मैं जाती हूँ, मैं अकेले ही जा रही हूँ, फिर भी अपने लटका झटका में और कुछ में, तो वहाँ भी जज साहब भी देखते हैं, तो जज साहब कहते हैं इन लोग का क्या मैटर है, तो वहाँ कागज देखते हैं तो कहते हैं अरे यार, जब ये ऐसे हैं तो इनका क्यों नहीं जल्दी सुनवाई होता है, जल्दी करो इन लोग का काम हटाओ। जज साहब ने आप लोगों का सहयोग किया? जज साहब हमें देखे, हमें समझ गए, तुरंत जल्दी से कार्रवाई हुई और जो है तलाक हुआ, वो अपने घर पे गई। अब आज के डेट में वो कहाँ है मुझे नहीं पता है। अच्छा, आप लोग कितने दिन साथ में रहे थे? 2 से 3 साल रहे होंगे, लेकिन साथ नहीं रहे, क्योंकि मेरा अलग बिहेवियर था, मैं उनको पसंद भी नहीं करती थी और उनको वो प्यार भी नहीं मिलता था, तो झगड़ा लड़ाई करके वो चली जाती थी घर पे, अपने मायके, पढ़ाई के बहाना और किसी के बहाना, और यहाँ पे नहीं रहती थी। तो आपकी शादी जब खत्म हो गई, आप लोग अलग हो गए, उसके बाद कितने दिनों तक आपने अपने परिवार में रहा? मैं तो शुरू से ही परिवार में ही रहती थी। परिवार में रहती थी, उसके बाद कब तक आप परिवार में रहे, उसके बाद परिवार से अलग? उसके बाद ये सब होता है और खड़मंजल मच जाता है, सारा सामान लद के जाता है उनका, और मायूसी छा जाती है मेरे घर पे और मेरे माँ बाप पे, मेरे भाई पे, मेरे पे क्या बीतती है वो समय हम ही लोग। लड़की से लगाव तो हो ही गया होगा आपको? ऐसा कुछ भी नहीं, लड़की से क्यों लगाव होगा, मुझे लड़के से लगाव है, मुझे आप भी अच्छे लगते हैं, आप भी अच्छे लग रहे हैं, और कोई अच्छा लड़का आएगा तो वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं भी तो सोचती हूँ ना कि मैं ऊपर से लड़का हूँ या कुछ भी हूँ, पर मैं लड़की हूँ तो छोड़ो, जाने दो, क्या करना है, लड़का मुझे लाइन मारेगा तो मैं भी लाइन मारूंगी। परिवार से अलग कब हुई, मतलब परिवार को छोड़ के गोरखपुर आप कब रहने लगे? 4-5 साल हुआ है मैं घर से आई हूँ, इसके पहले मैं दुकान पे ही रहती थी। मेरे पापा रानाडी चौराहे पे एक घर जमीन लेते हैं, घर बनवाते हैं, दुकान बनवाते हैं, और मेरे एक भैया हैं जो मुखिया भी रह चुके हैं, ग्राम प्रधान 2004 में, और बहुत अच्छा काम भी किए हैं, और मेरे भैया कभी नहीं कुछ बोले, आज भी वो एक्सेप्ट करते हैं, मेरे माँ बाप भी एक्सेप्ट करते हैं कि चले या घर पे रह, लड़के के रूप में रहना लेकिन घर पे रह, लेकिन मुझे वो घुटन होती है, पैंट शर्ट में रहना, छोटे बाल में रहना, लड़कों के रूप में मेरे। अच्छा, इस पोशाक में रहना आपको अच्छा लगता? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं एक टाइम खाना नहीं खाती हूँ, लेकिन ये चोला है ना, ये मुझे एनर्जी देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे जिंदा रहना चाहिए, हमारे जैसे लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए, घर से मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में, सरकारी कार्य के क्षेत्र में, प्राइवेट के क्षेत्र में सपोर्ट हर जगह से मिलना चाहिए। अगर मैं डेरे में रह रही हूँ, गुरु के साथ रह रही हूँ, तो मैं गुरु से भी प्रार्थना करूँगी कि गुरु मुझे इस काम के लिए आप आशीर्वाद। आपका गुरु कौन है? मेरा कोई गुरु नहीं है, कोई नहीं, लेकिन हाँ, हमारे जो बड़े मिलते हैं, मैं प्रार्थना आशीर्वाद लेती हूँ, नमस्ते करती हूँ और उनसे, उनको गुरु ही कहती हूँ। अच्छा, ये बताइए, परिवार के लोग आते जाते हैं, मुलाकात, भेंट मुलाकात, बातचीत होती है? हमारे गांव के लोग भी मिल जाते हैं, जो कि हमारा जिला है, कहीं कचहरी पे मिल गए, कहीं थाने पे मिल गए, कहीं रोड पे मिल गए, कहीं मॉल में मिल गए। गांव वाले क्या कहते हैं? गांव वाले अब तो डर जाते हैं, नहीं डर जाते हैं। हाँ, अच्छा, नाम आपका गांव का लेके बुलाते होंगे? अब भी बुलाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बुलाएंगे? अच्छा लगता है आपको? नहीं अच्छा लगता है अब नहीं अच्छा नहीं अच्छा लगता है निशा, नहीं कहते भी गांव के लोग तो निशा कहेंगे नहीं।
निशा मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी जो भी हैं वो कहेंगे भी नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सर्टिफिकेट है, मुझे जो अब जानने वाले हैं तो कहेंगे ही। लेकिन जहाँ तक ये मेरा कहना है कि ट्रांसजेंडर जब मुझे सर्टिफिकेट मिला, मेरा सब कुछ पूरा डॉक्यूमेंट्स मैं बदलवाई हूँ और सरकार द्वारा हुआ है, गवर्नमेंट द्वारा हुआ, मैं अपने थोड़ी करवाई हूँ। अच्छा बताइए, बीजेपी की आप सदस्यता ली है, कब से प्रेरित होकर भाजपा की सदस्यता ली और राजनीति के क्षेत्र में मान लीजिए जाने का क्या उद्देश्य? राजनीति के क्षेत्र में मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरा कोई मन नहीं करता है, मुझे बस एक मन करता है कि मैं कोई सरकारी जॉब करूं, प्राइवेट जॉब करूं, दुकान लगा लूं, सब्जी की लगा लूं। या तो नाचना गाना पसंद नहीं है आपको? मुझे नाचना गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन हाँ खुशी में मेरा मन उत्साहित होता है और मैं सज धज कर जब निकलती हूँ तो मुझे खुद नाचने का मन कर जाता है, और मैं मुझे नाचने का ढंग नहीं आता है, फिर भी मैं थिरकती हूँ, नाचती हूँ। अभी मतलब बीजेपी ज्वाइन किए आप, तमाम ट्रांसजेंडरों के लिए मांग की और एक पिंक टॉयलेट भी गोरखपुर में पहला प्रदेश का पिंक टॉयलेट जो ट्रांसजेंडर के लिए बना है, ये सब की प्रेरणा कहाँ से है? प्रेरणा मेरी शुरू से ही है, बचपन से ही है कि समाज में रहना है, काम करना है, गरीब दुखिया और निस्वार्थ भाव, हम उनका मदद करें जो उनको चाहिए, चाहे किसी के घर से घर पे, किसी सरकारी दफ्तर से, या तो कोई मरीज है उसको पहुंचवा दें, और कुछ भी हो। तो जब मैं घर छोड़ी तो यहाँ पे आई, किसी तरीके से मुझे यहाँ पे 2200 भाड़ा देना होता है किराया, और मैं दूसरे के एनजीओ में काम करती थी तब, रिक्वेस्ट की और वहाँ पे मुझे 7,000-7,500 रुपया महीना मिलता था, और मैं किसी तरीके से एक स्कूटी भी खरीदी हूँ, अपने ही पैसे से खरीदी हूँ। मैं कब खरीदी थी? अपनी दुकान से खरीदी थी, अपनी दुकान से खरीदी थी। उसको किस तरीके से, जो लोन पे भी खरीदी थी, आधा पैसा दी थी, आधा लोन चुकता चुकता करते करते आज मैं पूरा लोन हो गया, भाड़े किराए से रहती हूँ और राशन कार्ड बनवाई हूँ। राशन मिलता है? राशन अभी मैं 12 तारीख को ही लेके आई हूँ, फ्री मिला। अकेले हैं, कितना राशन मिलता है? 5 किलो मिलता है। खाने को हो जाता होगा? खाने को बहुत, घर से भी मिलता है मुझे। तो अभी नाचने गाने का समाज आप छोड़ चुकी हैं, तमाम सामाजिक कार्य करती हैं, तो तमाम आपके समाज के लोग तो मिलते होंगे तो कहते होंगे चाहे नाचने चलो, गाने चलो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये सब हम लोगों के लिए नहीं बना है, तो उन लोगों को क्या जवाब देती? देखिए मेरा कहना है कि मैं उनको भी समझाती हूँ कि देखो बहन, अगर तुम लोग पढ़ाई करना चाह रही हो तो पढ़ाओ, मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगी, अगर सिलाई कढ़ाई करना चाह रही हो वो भी करो, वो भी मैं कराऊँगी, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ अपने एनजीओ की, और मैं मांग उठाऊँगी कि सरकार, यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश में जो महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, उनसे मैं गुहार लगाती हूँ कि हमारे ट्रांसजेंडरों के लिए एक गरिमा गृह जो कहा जाता है वो बनवाया जाए, उसमें ट्रांसजेंडर के लिए पढ़ाई के लिए और जो क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर, कुछ भी हो सकता, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी उनको पसंद है वो अपना करे, लेकिन गरिमा गृह में ही होता है ऐसा, तो गरिमा गृह एक हॉस्टल की तरह होता है।